बेसिकली रूहानी बेगम से जो उनको बेटी हुई थी वो मस्तानी थी जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो ये मिंबर बना हुआ है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड मिंबर। अगर देखा जाए तो आज है हमारा सेकंड लास्ट डे इन मध्य प्रदेश, कल हमारी ट्रेन है वापस चंडीगढ़ के लिए, और मैंने सोचा यार लास्ट जाते जाते ना आपको एक जगह घुमा दूँ। वैसे तो जब मैं लास्ट टाइम आया था मध्य प्रदेश तब घुमा रही थी, पर उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि काफ़ी सारा कैमरा शेक कर रहा है तो ज़्यादा अच्छे से बनाओ, तो अब हम दोबारा से अच्छे से बनाने जा रहे हैं वो चीज़। और वो जगह का नाम है मस्तानी महल, या फिर कह सकते हैं दुबेला, पर मैंने आपको दिखाया था ना रियल मस्तानी होम टाउन एंड ड्रेसेस, तो वो वाली वीडियो आज दोबारा शूट करने जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वहीं म्यूजियम पर, इसको कहते हैं दुबेला म्यूजियम। मैंने ज़्यादा मास्क लेकर नहीं आया तो जितने भी थे वो सारे गंदे पड़े इस टाइम, तो करके आज देखते हैं अगर रोकेंगे तो फिर रुमाल ही डालना पड़ेगा। और एक अच्छी चीज़ बताऊं कि आज मैंने अखबार पढ़ी यहाँ की छतरपुर जिस जगह में हूँ ना इस टाइम, उधर एक भी कोरोना कोज नहीं है, तो कोरोना पेशेंट ये फ्री हो गया। तुम्हारा शहर बड़ा सही है यार, वाहन अंदर लेकर जाना मना है, तो अभी सिर बजा के चलियो। हाइट का अंदाजा होगा आपको, मेरे जो सिर है शोल्डर में ज़्यादा है। तो अभी हम जैसे 2021 में आ रहे हैं, तो आज कोविड के बाद देख लेते हैं कोविड के बाद क्या क्या सिचुएशन चेंजेस हुई है। प्रवेश शुल्क एंट्री फ्री होगी? अच्छा नहीं, फ्री नहीं है, फ्री लिखा है। तो ये यहाँ के चार्जेस हैं, अभी मेरे को खुद भी नहीं पता क्योंकि अभी दोबारा वीडियो देखूंगा अपने, तो मुझे पता लगेगा कि पिछली बार क्या चार्जेस थे, तो इस बार ये वाली चार्जेस हैं। हमने ले लिया टिकट्स। वाओ। तो अभी हमारे साथ है आशुतोष सर। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि जब हम हिस्टोरिकल प्लेसेस में आते हैं तो जो से इंफॉर्मेशन रहती है ना वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि मुझे इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी, तो इस बार इंफॉर्मेशन हमारी जनरल रहे, तो हमारे साथ है सर। तो हमारे साथ ही सर घूमेंगे जैसे जैसे जो दिखाते रहेंगे, फिर वही आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए बेसिकली मैं आपको पहले बता दूँ कि छत्रसाल संग्रहालय है, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के नाम से है, और छत्रसाल संग्रहालय जो छत्रसाल जी हैं वो बुंदेल केसरी कहलाते थे, मतलब ये बुंदेलखंड की स्थापना के समय आज जो उनकी बुंदेलखंड की शान है वो छत्रसाल जी के नाम से ही है। ये म्यूज़ियम पर्टिकुलर छत्रसाल साहब का कोर्ट था, यहाँ पे उनका दरबार लगता था जो केवल नदी है, और इस ये हिस्टोरिकल प्लेस इसलिए भी हो गया है क्योंकि इस पर्टिकुलर म्यूज़ियम का उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। वो बोर्ड है आप चाहे तो उसको दिखा सकते हैं। जी जी, अब जा रहे हैं हम मेन मस्तानी महल की तरफ जहाँ पर वो रहते थे, और इस चीज़ में कितनी सच्चाई है वो भी सब आपको चीज़ें बताएंगे आगे आगे। बेसिकली मस्तानी महल के नाम से है जाना जाता है जी। मस्तानी महल में जो मस्तानी है वो बेसिकली छत्रसाल जी की डॉटर थी। ओके। अब रिलेशन ऐसा था कि महाराज जी छत्रसाल की वैसे मोटे मोटे तौर पे तीन वाइफ कहलाई जाए, पर उसके ऊपर काफ़ी हिस्टोरियंस का विवाद है, कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी 52 रानियाँ भी थी। हाँ जी बिल्कुल। तो 52 रानियाँ ऐसा तो नहीं थी उनका, ऐसा था कि आप किसी से आक्रमण किया या किसी राजा से जीत लिया उन्होंने, तो उसकी पुत्री को उन्होंने ब्याह कर लिया या अपने साथ लेके आया, साथ ले आए, तो एक गठबंधन हो जाता है, एक अलायंस बन जाता है कि भैया वो साथ में सेफ हो जाता है। ओके। तो मस्तानी उसी उनकी कीप थी, रूहानी बेगम करके, रूहानी बेगम उनकी बेटी थी बेसिकली, रूहानी बेगम से जो उनको बेटी हुई थी वो मस्तानी, वो मस्तानी। ओके। रूहानी जो है वो एक नृत्यांगना थी, मतलब वो खुद एक डांसर थी, बट नेचुरली उनकी बेटी भी बहुत अच्छी डांसर थी। ओके। तो वो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा डांस करती थी, तो ये कोर्ट के बगल में बेसिकली दरबार था जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ जी। तो दरबार के बगल में ही ये महल उनको रहने के लिए दिया गया, रहने के लिए जैसा ना। तो ये जैसे इतने सारे डोर्स बने हुए हैं, ये मतलब इसके पीछे एक स्टोरी भी है या कुछ ऐसा ही है? ये जो एक्चुअली ये तो पर्टिकुलर स्टाइल था उस समय जो बनाया जाता था, आर्किटेक्चर स्टाइल है बुंदेला। Okay. आर्किटेक्चर तो बुंदेला आर्किटेक्चर स्टाइल में था, आर्च नुमा दरवाजे बनाए जाते थे, मेहराब बनाए जाते थे दरवाजों में, इस तरह की बड़ी पालकी बनाई जाती थी। ये बैक साइड से देखिए, ये वाली सामने हाथी पालकी है। ओह अच्छा। बाहर से देखते हैं तो ये हाथी पालकी जनरली, अच्छा आपको देखने को मिलेगी जो बुंदेला, ये जरूर देखेंगे। जो है मस्तानी जो है मुस्लिम थी। हाँ जी। तो जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो ये मिंबर बना हुआ है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड मिंबर, ये वाली चीज। हाँ, स्टेयर्स वाली, मिंबर। तो यहाँ पे देखे जो हिंदुओं में जैसे प्रवचन वगैरह दिए जाते हैं, ऐसे मुस्लिम्स में भी तकरीब दी जाती है, तो यहाँ पे बैठ के दी जाती है, तो ये सब उन्हीं का है, ये सभी उनका एरिया है। ठीक है। उस पर्पज से यूज होता है ना।
तो ये जो पाकी का एरिया है यहाँ पर ये उनके रहने के थे, कुछ खाना पीछे जाएंगे तो कुछ खाना पकाने के लिए इधर से। ओके चलो वो भी अब आए तो वो भी चीज़ देख ले। तो मस्तानी जी के साथ और भी रहते थे जैसे उनके, मतलब या अकेले ही उनके? नहीं, उनको उनके पर्टिकुलर उनकी सेवा में जो दासियां थी वो भी होती थी, दासियां रहती थी ना। कि वो ये देखिए तो ये सब जो दिया है वो सामने ना जी, ये जो रोशनदान दिए सारा दोनों को रहने ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड भी है कुछ या इस साइड? नहीं सर कुछ नहीं है। और वो आप चीज़ रिपीट कर दोगे जो अभी आपने बताई कि जैसे जो से हम स्टोरी आपको बता रहे हैं इसमें कितनी रियलिटी है, कैसे उसकी क्रेडिबिलिटी है, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए जो से आप चीज़ें कह रहे थे हाँ, तो एक बार ऑडियंस को बताते हैं ना, क्योंकि काफ़ी को रहता है कि दंतियाँ जो रहती हैं जो फोक स्टोरीज रहती हैं बेसिकली वो भी एक हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट रहता है। कई बार हम लोग उन चीज़ों को किंवदंतियों को या फोक स्टोरीज को एक हिस्टोरिकल पार्ट के रूप में इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि वो किंवदंतियाँ कोई एक जनरेशन की नहीं रहती, काफ़ी जनरेशन से रिपीट होते हुए आती रहती जी। तो अगर उसको करप्ट होती भी है तो इतना उसमें आपको हिस्ट्री का पार्ट हमेशा मिलता ही है। ओके ओके कुड भी 60-70% 50% कहीं कहीं जगह पे ज़्यादा कहीं पे कम, बट ये सारी चीज़ें आप बाद में उसको आर्कोलॉजिकल एविडेंस फाइंड होते हैं या हिस्ट्री फाइंड होती है लिटरेचर एविडेंस के साथ मैच कर लें तो चीज़ें कई बार प्रूफ के साथ भी दिखा सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो मस्तानी महल भी हमने कवर कर लिया। जैसे वो जो उसके पीछे ये बने हुए ये सब चीज़ें क्या है? ये हृदय शाह का महल है। छत्रसाल के दो बेटे थे। हाँ जी। एक बेटा था जगत राज बड़ा बेटा, दूसरा बेटा था हृदय शाह। प्रॉब्लम ये रहा कि छत्रसाल हो गए थे वृद्ध। हाँ जी। इतना वो नहीं था उनसे कि वो लड़ सके, बुजुर्ग हो रहे थे दोनों। हाँ, तो उनके दोनों बेटे थे। फिर उन्होंने बाजीराव को बुलावा भेजा, बाजीराव आके मेरी हेल्प करो। हाँ जी। बाजीराव आया, बाजीराव ने उसको हराया। हराया। हराने के बाद उससे प्रॉमिस लिया कि वापस कभी भी इस एरिया में नहीं आएगा छत्रसाल को टच करने के लिए। ओह ठीक है। उसके बाद उसको भगा दिया वहां से। ये हुआ कि छत्रसाल उससे बहुत खुश हो गए। जी जी जी। और खुशी खुशी में उन्होंने बाजीराव से ये बोला कि यार तुम मेरे तीसरे पुत्र के जैसे हो। ओह। तो जब उसने ऐसा बोला कि तीसरे पुत्र के जैसे हो तो बाजीराव ने बोला अगर मैं तीसरे पुत्र के जैसा हूँ तो आपकी संपत्ति से तीसरा हिस्सा फिर मेरा होगा। तो जब उसने ये कहा तो उन्होंने वो तीसरा हिस्सा जैसा उन्होंने कहा था वैसा उन्होंने माना और पूरा तीसरा हिस्सा जो है बाजीराव को दिया। तीसरा हिस्सा था क्या? तीसरा पूरी प्रॉपर्टी जो पूरी सल्तनत थी उनका जो पूरा राज्य था स्टेट का उसमें से झांसी वाला एरिया और आसपास का एरिया। अच्छा। और जैसे ये कह रहे थे कि बाजीराव मस्तानी की शादी हुई थी या उनको यहाँ से लेके गए थे उसके पीछे क्या सच्चाई बातें हैं कि ऐसा हुआ था बेसिकली। हाँ जी। जब बाजीराव यहाँ पे आया था तब मस्तानी शायद हार्डली 13-14 साल या 15-16 साल काफी छोटे थे, छोटी थी बहुत बड़ी नहीं थी। और ऐसा कहा जाता है जो हिस्टोरियंस किताबों में लिखा है उसमें ये लिखा है कि बेसिकली छत्रसाल जी ने मस्तानी को उनको भेंट किया था। अच्छा। शादी नहीं किया था, भेंट किया था, लेकिन वो उनका प्रेम इतना प्रेम था इतना। उनका प्रेम इतना था आपस में कि फिर महाराष्ट्र यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो नहीं सब ठीक है। तो जैसे हम कभी कभी सोचते होते हैं ना कि इतनी पुरानी हिस्ट्री आज के टाइम में फिर पता कैसे लगता है, जैसे इधर जितनी भी मूर्ति पड़ी है तो उसी से हिस्ट्री का मतलब पता लगता है कि क्या कहानी रही होगी, है ना? माइथोलॉजी, फिलोसॉफी, माइथोलॉजी और उसके बाद मूर्तियां बनती हैं। तो मूर्तियां अपने को किसी न कहीं से आपको आपके फिलोसॉफी से कनेक्ट करती है, माइथोलॉजी से फिलोसॉफी से कनेक्ट करती है और आपको दर्शन देती है कि आपका बेसिकली भारतीय दर्शन क्या होता है। जी बिल्कुल। अभी जो सी इसके नेक्स्ट बिल्डिंग है उसी में ये है मेन मस्तानी की ड्रेसेस एंड महाराजा छत्रसाल जी के जो सी ड्रेसेस मैंने दिखाई थी। एक मिनट, इतने गोरे कहाँ हो गए हैं हम? है महाराजा छत्रसाल का अंगरखा। इजी लैंग्वेज में बोले तो अंगरखा कोट बोल सकते हैं। कोट बोल सकते हैं। तो ये स्पेशल ओकेजन पे जो चीज़ डाल रहे थे वो? नहीं, ये बेसिकली वियर, उनका वियर था जो हमेशा पहनते थे। अंगरखा एक लंबा रहता था जो यहाँ से लेके कंधे से लेके एंकल तक रहता था। एंड यही मेन है ना, राइट? मस्तानी ड्रेस, मस्तानी ड्रेस तो नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये रीवा का ही है। रीवा का ही था। ओके। रीवा से ही मिला है। ओके। मस्तानी ड्रेस नहीं है पर रीवा डायनेस्टी में किसी को बिलोंग करता है। बिलोंग करता है। ओके ओके ओके। अच्छा, आपने ये चेंजेस किए हैं ना जो ये लगाया पहले, जैसे जैसे पहले तो शायद मस्तानी ड्रेस ये है मस्तानी ड्रेस का? नहीं, मस्तानी ड्रेस नहीं है सर। अच्छा नहीं है? अच्छा, मैं एक्चुअली आपको इसलिए करेक्ट करना चाहता था। अरे तो कोई बात नहीं, कितने टाइम के बाद अब ये चीज क्लियर हो रही है कि वो मस्तानी की ड्रेस नहीं थी। मुझे भी ऐसा लगा था कि वो मस्तानी की ड्रेस है।
वो फिर पता नहीं कैसे आया वो चीज़। छत्रसाल जी की जरूर है, छत्रसाल जी की तो जरूर है। चीज़ तो ट्रू है, जो से ये मस्तानी महल है यहाँ पर वो रहते थे ना। हाँ, तो देखा एक फायदा और अच्छा हो गया कि मैं दोबारा से यहाँ पर आया, जो से मेरे को भी डाउट थे वो भी सब आज क्लियर हो रहे हैं। जिस गलतफहमी में हम थे वो भी आज सब क्लियर हो गया। पता था ये चीज़ पता लगा ना इनको भी। मैं तो ये चीज़ सोच रहा हूँ, मैंने खुद को ही आज एक्सपोज कर दिया कि जो सी मेरी पिछली बार वीडियो थी उसमें जो सी इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी हिल रही थी, पर इस बार परफेक्ट है। इस बार हम हिल गए कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन दी पिछली। तो जो सी ड्रेसेस था वो हालांकि थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, पर जो सा मस्तानी महल था वो बिल्कुल हमने एग्जैक्ट आपको बताया था, तो वो आज भी सेम है ना। वो सेम है, तो वो वहाँ पर रहती थी। और जो सा बाजीराव मस्तानी की शादी वाला कॉन्सेप्ट था, काफ़ी लोग अपनी अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं कि है ना वो भगा के ले गया था कोई, पर ऐसा जो सर ने बताया तो वो हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी जेन्युइन चीज़ है, तो करके आप उस चीज़ पर ट्रस्ट कर सकते हो। राइट, लोग ही कहा सुनी पर ट्रस्ट ना करो, आप खुद यहाँ पर आओ और घूम के जाओ तब आपको समझ आएगा। जो कि यहाँ पर घूमने आते हैं जैसे झांसी हो गया, खजुराहो हो गया, तो ये वाली जगह मिस कर देते हैं। तो ये जगह रास्ते में आती है, दुबेला पड़ता है इस जगह का नाम, तो इधर भी आओ उसके बाद खजुराहो जाओगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो से मस्तानी थे ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। तो अभी इसका एक ख्याल जागा, मैं बताता हूँ क्या। अब क्यों भाग रहा है? तो अभी मेरा ये कज़न है ना करण, वो खुश रहता है, पता नहीं मस्तानी ने कहाँ कहाँ पर छुआ होगा, तो पूरी है ना मुझे लगता है इधर छुआ। ऐसे दरवाजे के अंदर घूमना है जब बुजुर्ग होने का मस्तानी ऐसे।